नमस्कार, हिमालिनी टेलीविज़न में आप सभी का स्वागत है। हिमालिनी टेलीविज़न से मैं हूं अंशुल राजपूत, करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मेरठ से एक खबर सामने आ रही है, क्या खबर है हम आपको बताते हैं। अंकल सुबह से एक भी दिया नहीं बिका, थानेदार ने दोगुनी कीमत पर खरीदा सारा सामान। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो पुलिसकर्मी हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारा इतना दिल खुश कर देते हैं कि बहुत सुकून मिलता है। और ऐसे ही मेरठ में हुआ है, पुलिस विभाग की तरफ से इतना अच्छा रवैया देखने को मिला है। पुलिस का यह रवैया देखकर जहां बच्चियों ने थानेदार एसओ को थैंक्स कहा, वहीं एसओ भी मासूम बच्चियों को हैप्पी दिवाली कहना नहीं भूले। यूपी के मेरठ जनपद से दिवाली के मौके पर पुलिस का एक नया चेहरा देखने को मिला है। जहां गश्त पर निकले टीपी नगर थाने के थानेदार ने सड़क पर दिए बेच रहे बच्चों को उदास बैठे देखा, तो ना सिर्फ दोगुनी कीमत में उनसे खुद दिए खरीदे, बल्कि बच्चों के पास खड़े होकर सड़क से गुजर रहे अन्य लोगों को भी मासूमों से दिए खरीदने के लिए प्रेरित किया। बच्चों का सारा माल बिक जाने के बाद थानेदार ने उन्हें गिफ्ट देकर हैप्पी दिवाली बोलते हुए उन्हें घर वापस भेजा, तो बच्चों के चेहरे भी खिले हुए नजर आए। दरअसल शुक्रवार की दोपहर टीपी नगर के थानेदार विजय कुमार गुप्ता धनतेरस और दीपावली के मौके पर फोर्स के साथ क्षेत्र में व्यवस्था बनाने के लिए गश्त पर निकले हुए थे। इस दौरान वह किशनपुरा क्षेत्र में पहुंचे तो सड़क किनारे फड़ लगाकर बैठे व्यापारियों को व्यवस्थित तरीके से बैठाने लगे। कुछ दूर चलने पर दिए बेच रही दो मासूम बच्चियां उदास बैठी नजर आई, जिस पर थानेदार ने बच्चियों से उनकी उदासी का कारण पूछा। तो कहा, अंकल सुबह से एक भी दिया नहीं बिका। बच्चियों ने कहा, सुबह से अंकल एक भी दिया नहीं बिका। इतने सारे पुलिस कर्मियों को अपने सामने देखकर पहले तो बच्चियां सहम गई। उन्हें लगा कि शायद पुलिस उनकी दुकान को हटवाने आई है, मगर जब एसओ विजय कुमार गुप्ता ने बच्चियों के सिरों पर प्यार से हाथ फेरते हुए उनकी मायूसी का कारण पूछा, तो उनका जवाब सुनकर पुलिस कर्मियों का दिल भर आया। बच्चियों ने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया कि अंकल सुबह से एक भी दिया नहीं बिका है, ऐसे में हम दिवाली कैसे मनाएंगे। तो दिए खरीदने की अपील पुलिस कर्मियों की तरफ से की गई। बच्चियों की मजबूरी और मासूमियत भरा जवाब सुनकर थानेदार विजय कुमार गुप्ता ने तत्काल बच्चियों से उनके आधे से भी अधिक दिए खुद ही खरीद लिए। इसके बाद एसओ विजय कुमार गुप्ता बच्चियों के पास खड़े हो गए और सड़क चलते लोगों से इन बच्चियों से दिए खरीदने की अपील करने लगे। नतीजा यह रहा कि देखते ही देखते चंद मिनटों में दिए बेच रही बच्चियों का सारा माल बिक गया। बच्चियों ने थानेदार को बोला थैंक्स, जिसके बाद थानेदार विजय कुमार गुप्ता ने अपने द्वारा खरीदे गए दियों की दोगुनी कीमत और गिफ्ट देकर बच्चियों को उनके घर वापस भेजा। पुलिस का यह रवैया देखकर जहां बच्चियों ने थानेदार को थैंक्स कहा, वहीं एसओ भी मासूम बच्चियों को हैप्पी दिवाली कहना नहीं भूले। देखिए कितना अच्छा रवैया है विजय कुमार गुप्ता जी को सैल्यूट करती है हिमालिनी की संपूर्ण टीम। जिसके बाद